नमस्कार, शांतिस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ मिक्स अचार। इसे आप जरूर ट्राई करिए, और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मिक्स अचार के लिए मैंने 100 ग्राम गोभी लिया है। इसको अच्छी तरह से धोकर काट लिया है। 100 ग्राम गाजर, इसको भी मैंने लंबाई में काट लिया है। 100 ग्राम मूली, इसको भी लंबाई में काट लिया है। 50 ग्राम हरी मिर्च, इसके भी दो टुकड़े कर लिए हैं। और 50 ग्राम अदरक, इसको भी लंबाई में काट लिया है। 1 कप सरसों का तेल, 2 चम्मच सिरका, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सरसों पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सौंफ पाउडर, आधा चम्मच मेथी पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच कलौंजी, आधा छोटा चम्मच हींग और नमक टेस्ट के अनुसार। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में हम तेल डाल देंगे और तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ये तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब सबसे पहले हम इसमें हींग डालेंगे। अब इसमें ये गोभी डाल देंगे। और पहले गोभी को 1-2 मिनट भून लेंगे। अब ये गोभी अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें बाकी सब्जियां भी मिला देते हैं। अब सारी सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये सब्जियां अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर, सरसों पाउडर, हल्दी, सौंफ पाउडर, मेथी पाउडर, अजवाइन, कलौंजी और टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे। और इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। अब ये सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब 1-2 मिनट हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। अब ये अच्छी तरह से मसाले मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम सिरका डाल देंगे। सिरका से टेस्ट भी इसका बढ़ जाता है और ये प्रिजर्व का भी काम करता है। और गैस को ऑफ कर देंगे और ठंडा होने पर इसे हम साफ सूखे जार में भरकर रख देंगे और इसे आराम से हम 10-15 दिन तक खा सकते हैं।